नमस्कार दोस्तों, पिछले 7 दिन से जो खारी देश में चल रहा है ये पूरी दुनिया जानता है। किस प्रकार से फिलिस्तीन गाजा पट्टी की ओर से इजराइल पर रॉकेट दगाया जा रहा है और किस प्रकार से इजराइल उसे बचाव कर रहा है, किस प्रकार से मिसाइल फिलिस्तीनियों पे दाग रहा है, हमास वालों पे दाग रहा है। दोस्तों ये अब तक तो चल ही रहा था, इसी बीच फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने बहुत बड़ा बयान दिया है, वो भी इजराइल के समर्थन में, पूरे इस्लामिक दुनिया को चौंका दिया है। इतना ही नहीं, साथ ही जापान ने बहुत भयंकर जवाब दिया है। जापान ने इजराइल का जोरदार समर्थन किया है, बोल दिया है दुनिया में अब जो भी होगा वो भगवान जाने, लेकिन मैं तो इजराइल के साथ हूँ। दोस्तों इन सब के अलावा भारत अमेरिका, सिंपल से बात कर तो पूरी तरह से क्वाड सक्रिय हो चुका है, वो भी इजराइल को बचाने के लिए। और बड़ी बात तो यह है कि यूनाइटेड नेशन OIC बोल रहा है कि ये तमाम देश इजराइल को उकसा रहा है, यहाँ पे सबको इजराइल को दबाना चाहिए था, इजराइल पे प्रेशर और दबाव बनाना चाहिए था, लेकिन फ्रांस, जापान, भारत, अमेरिका सब इजराइल का साथ दे रहा है, ये सब इजराइल का मन उकसा रहा है और आने वाले समय में इजराइल हम पे बड़ा अटैक कर देगा, खासतौर पे गाजा पट्टी पे बड़ा अटैक कर देगा। दोस्तों इस तरह की बातें खासतौर पे OIC बोल रहा है और फिलिस्तीन के जो आतंकवादी है, हमास के आतंकवादी है, वो बोल रहा है। आपको मैं एक एक पॉइंट बताऊँगा आखिरकार फ्रांस ने इतना बड़ा बयान कैसे दिया और क्यों दिया और आने वाले समय में यहाँ से क्या होने वाला है। दोस्तों सबको लग रहा है कि यह युद्ध शांत होने वाला है, देखिए ऐसा बिल्कुल नहीं है। इजराइल ये युद्ध लंबा घिंचेगा, दुश्मन को मारते मारते इतना मारेगा कि दुश्मन पूरी तरह से ध्वस्त हो जाएगा, पूरी तरह से नस्तनबूत हो जाएगा और फिर अचानक से गाजा पट्टी पे कब्जा करेगा। देखिए आप जानते हैं इजराइल का हमेशा से ही नीति रहा है, दुश्मन को टुकड़े टुकड़े में बांटो, एक ही बार मत काटो, क्योंकि जिस प्रकार से मूली का कई प्रकार का टुकड़ा होता है और फिर एक बार में मूली हो जाता है, सेम काम करता है इजराइल। इसीलिए धीरे धीरे हमास पे हमला कर रहा है और अंत में बड़ा अटैक करके सब कुछ खत्म कर देगा। अब चलिए हम जानते हैं आखिरकार सबसे पहले तो जापान ने क्या कहा है। देखिए जापान के रक्षा मंत्री याकुनामा, दोस्तों आप जानते हैं ना याकुनामा हमेशा भारत के लिए बोला है, भारत का समर्थन बोला है, जब भी कोई मुसीबत आया है वो सबसे आगे रहा है। याकुनामा ने ओपनली बोला कि भाई दुनिया आज इजराइल को दोषी बोल रहा है, यूनाइटेड नेशन आज इजराइल को दोषी बोल रहा है, लेकिन ये सब बकवास है। मान लीजिए आप कहीं सो रहे हो और आपके ऊपर कम से कम हजारों तीर लग जाए, आपके ऊपर हजारों धनुष मार देखो तो क्या करेंगे आप, आपके पास मजबूरी है अपना जान बचाना। सेम टू सेम इजराइल साथ हुआ है, इजराइल आराम से सो रहा था, आराम से अपना काम चला रहा था, देश को तरक्की कर रहा था, उसी बीच हमास के आतंकवादियों ने कम से कम 2500 से लेकर 2600 रॉकेट दाग दिया और यहाँ पे इजराइल चुप हो जाए, ये कहाँ का नीति है। दुनिया का तो एक ही उसूल है, जैसे करोगे वैसे भरोगे, तो इसी उसूल पे इजराइल काम कर रहा है ना। इजराइल के ऊपर कोई हमला किया, इजराइल अपना बचाव कर रहा है और अपने दुश्मनों को मार रहा है, इसीलिए इजराइल जो भी किया है ये 100% सही है और मैं इजराइल के साथ हूँ। इजराइल इसी प्रकार से दुश्मनों को मारते रहे, आतंकवादियों को मारते रहे, क्योंकि ये धरती का बोझ है और सबके लिए अशांति फैलाता है, दुनिया में कभी भी शांति कायम होने नहीं देगा। दोस्तों खासतौर पे जापान ने ओपनली बोला कि मैं हर मुद्दे पे, हर समय और हर कठिन समय में इजराइल के साथ हूँ, चाहे हमसे जो मदद मांग ले वो पहली मैं दूंगा। और मैं हमास के आतंकवादियों का घोर निंदा करता हूँ, जिस प्रकार उन्होंने अत्याचार किया है, आम लोगों को मारा है और ये युद्ध फंसाया है, उसके लिए मैं उसका खूब विरोध कर रहा हूँ। अब दोस्तों आप बोलेंगे चलो भाई मान लेते हैं, जापान ने तो अपना बेड़ा पार कर लिया, यहाँ पे फ्रांस ने क्या बोला है, फ्रांस राष्ट्रपति ने क्या बोला है। दोस्तों आप जानते हैं हाल ही में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को फ़ोन किया, दोस्तों फ़ोन से बातचीत हुआ। सबसे पहले तो मैक्रोन ने पहले बोला कि मैं आपके साथ हूँ, हमेशा साथ रहूँगा और चाहे किसी मंच पे हो जाए, चाहे यून हो जाए या फिर कहीं और हो जाए, आपके लिए बोलूँगा। और दोस्तों फिर फ्रांस के राष्ट्रपति ने बोला कि जिस प्रकार से आप परेशान हैं आतंकवादियों से, उसी प्रकार से हम भी परेशान हैं। हाल ही में क्या हुआ, हमारे यहाँ आतंकवादी ने कई हमला किया, चलो मान लेते हैं आप लोगों का झगड़ा हमेशा से है, लेकिन हमारे पास तो सबको डेमोक्रेसी है, सबको बोलने की आज़ादी है, फिर भी हमारे यहाँ लोगों को क्यों मारा जा रहा है। आखिरकार इस समस्या का एक ही जड़ हुआ है तुर्की, क्योंकि तुर्की हमेशा दुनिया में आतंकवाद फैलाता है और इसीलिए मैं आपके साथ हूँ, जिसे जो सोचना सोचे और अपना काम आप करते रहिए। जिस प्रकार से आप पे कोई अटैक कर रहा है, रॉकेट चल रहा है, तो आप अपना बचाव कीजिए और अपने दुश्मन को भी ख़त्म कीजिए, चाहे जो कोई कुछ बोले कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं तो आपको समझता हूँ। दोस्तों खासतौर पे इमैनुअल मैक्रोन ने ओपनली बता दिया कि इजराइल के लिए मैं कुछ भी कर जाऊँगा, चाहे कोई मंच पे हो या फिर कुछ भी हो, मैं साथ दूंगा।
दोस्तों आप जानते हैं ना, वर्तमान में जिस प्रकार से फ्रांस ने बयान दिया है इजराइल के लिए, ये पूरी दुनिया के लिए चौंकाने वाला है, क्योंकि पहले भी कई बार इजराइल और फिलिस्तीन उलझ चुका है, लेकिन अभी तक कभी भी फ्रांस ने इस प्रकार का बयान नहीं दिया, लेकिन पहली बार 2021 में इतना बड़ा बयान दिया है। दुनिया के तमाम बड़े बड़े बुद्धिजीवी और थिंक टैंक का कहना है कि ये बयान फ्रांस ने ओपनली तुर्की गल में तमाचा मारा है, क्योंकि तुर्की ने जिस प्रकार से हाल ही में फ्रांस का विरोध किया था और पाकिस्तान ने जिस प्रकार से फ्रांस के जो डिप्लोमेट है, फ्रांस के जो राजदूत है, खासतौर पर पाकिस्तान से भगाने का अनाउंस किया, उसी के खिलाफ खासतौर फ्रांस ने बड़ा एक्शन लिया है और तुर्की पाकिस्तान का औकात दिखा दिया है और फ्रांस ने साफ कर दिया है कि चाहे जो भी हो, आतंकवादियों का खेल ख़त्म करना जरूरी है। दोस्तों फ्रांस ने साबित कर दिया है कि पाकिस्तान तुर्की सावधान हो जाए, यह आतंक का खेल अधिक दिन नहीं चलेगा, बहुत जल्द ये आतंक का खेल ख़त्म होने वाला है, आपके पास ही मौका है, इंसान बन जाओ, नहीं तो आपका भी हाल फिलिस्तीन जैसा होने वाला है। दोस्तों यहाँ पे दुनिया के तमाम देशों ने साबित कर दिया है कि बेशक हम लोग आपस में लड़ते हैं, हम लोग का मन नहीं मिलता, लेकिन जब भी कभी दुनिया पे मुसीबत आता है तो हम लोग एक हो जाते हैं। दोस्तों हाल ही में क्या हुआ, हाल ही में अमेरिका ने भी ओपनली खासतौर पर इसराइल को यही बोला, अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडन ने ओपनली बोला कि आज इसराइल मजबूर है, इसराइल पर कोई हमला करता है तो इसराइल अपने को बचा सकता है, दुनिया में तमाम देशों का ये अधिकार है वो खुद का रक्षा करे, और वो अपने आप में रक्षा कर रहा है, इसराइल का यहाँ पे कोई दोष नहीं है। एक तरफ जहाँ हजारों रॉकेट मारा जा रहा है, इसराइल अभी भी चुप है, यही महानता है। दोस्तों अमेरिका ने भी तारीफ किया था, आप पूछेंगे चलो भाई अमेरिका हो गया, जापान हो गया, यहाँ पे भारत अभी तक कुछ बोल ही नहीं रहा है, क्या कारण है? देखिए दोस्तों भारत का मजबूरी है, देखिए भारत किसी से डरता नहीं है, ये मत समझिए कि भारत मिडिल ईस्ट से डरता है, अरब से डरता है, दोस्तों ऐसा बिल्कुल नहीं है। भारत के पास मजबूरी यह है कि आप जानते हैं इसराइल का नीति रहा है फिलिस्तीन का जमीन कब्जा करना, धीरे धीरे वो कब्जा कर रहा है, और दोस्तों भारत भी परेशान है चीन से, पाकिस्तान से, अब जानते हैं पाकिस्तान ने भारत का पीओके कब्जा किया हुआ है और चीन ने अक्साई चीन कब्जा किया हुआ है। भारत हमेशा यूएन में जाके बोलता है कि ये चीन को हटाओ, पाकिस्तान को हटाओ, ये जो जम्मू कश्मीर है पूरा मेरा है, लेकिन दोस्तों चीन और पाकिस्तान इसे हमेशा खारिज करता है। अब मान लीजिए यहाँ पर भारत ओपनली खासतौर पर पाकिस्तान का रास्ता चल जाए, सिंपल सी बात है, यहाँ पे भारत ओपनली फिलिस्तीन के खिलाफ चल जाए और इसराइल का समर्थन कर दे और बोल दे कि इसराइल जो कर रहा है ये अच्छा कर रहा है, इसराइल अच्छा कर रहा है, दूसरे का जमीन हड़प रहा है, दूसरे की जमीन पे कब्जा कर रहा है, ये बिल्कुल सही है। दोस्तों यहाँ पे पाकिस्तान और चीन का भयंकर जीत हो जाएगा और यही बात पाकिस्तान चीन यून के बोलेगा, बोलेगा कि देखो भाई भारत अपने जमीन के लिए क्या क्या बोलता है, लेकिन दूसरे के जमीन के लिए बोलता है कि अच्छा हो रहा है, इसराइल सही कर रहा है, तो उसी तर्ज पे हम भी करना चाहते हैं, हम भी जो भारत का जमीन हड़पे हैं अक्साई चीन और पीओके वो अच्छा किए हैं, ये तो भारत का जमीन है ही नहीं। यानी कि दोस्तों पाकिस्तान और चाइना भारत को यहाँ पे उल्टा साबित कर देगा और भारत अपने ही दाव में फंस जाएगा और फिर हम लोग अपने दवा पे दोस्तों मुकर सकते हैं, हम लोग पूरी तरह से जोर से अक्साई चीन और पीओके पे दवा नहीं ठोक सकते, इसीलिए भारत अभी चुप है, लेकिन जिस दिन देखेंगे पीओके छीना जाएगा दोस्तों, जिस दिन अक्साई चीन भारत से मिल जाएगा, फिर भारत आजाद हो जाएगा, फिर देखेंगे इसराइल के लिए ओपनली बोलेगा, समर्थन करने वाला है।